हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे कि आर्म लाइपोसक्शन क्या होता है और थाई लाइपोसक्शन क्या होता है और क्यों पेशेंट में ज़रूरत होती है। हाय, आई एम डॉक्टर विवेक अम्बेडकर, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन। तो काफ़ी पेशेंट होते हैं जिनको मोटापे के कारण आर्म में जो होता है वो मोटापा आ जाता है, थाई में भी आ जाता है, जिनको चलने फिरने में दिक्कत होती है, जो थाई होती है आपस में टकराती है, तो उस कंडीशन में लाइपोसक्शन होता है, जिनमें हम क्या करते हैं कि ये ट्यूमेसेंट फ्लूड यहाँ से डालते हैं एक की होल से और यहाँ चारों तरफ लाइपोसक्शन करते हैं फ्लूड डाल के। इसी तरीके से थाई में भी करते हैं, जिससे चारों तरफ से जो फैट होता है उसको निकाल देते हैं। तो बाद में थोड़ा सा सूजन रहती है करीब 4 हफ्ते तक, उसमें कंप्रेशन गारमेंट पहनना होता है जिससे सूजन उतर जाए, और इसमें कोई बहुत लंबा निशान नहीं होता है और ये काफ़ी सेफ प्रोसीजर है। तो इसमें आप करा के दूसरे दिन जा सकते हैं। जो आपको प्रॉब्लम है कपड़े पहनने में या टाइट क्लॉथिंग पहनने में आपको दिक्कत हो रही है, तो उससे आपको निजात मिल जाएगा। और उसी तरीके से थाई में भी करते हैं, जिससे आपको जो चलने फिरने में जो थाई आपस में टकराती है उससे इन्फेक्शन हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, आपस में चलने में जो थाई हैं वो काफ़ी टकराते हैं, तो उससे निजात मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा जो जानकारी दी गई आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।